सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर व ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय पर जनपद के सभी दोपहिया वाहन डीलरों की बैठक आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, एआरटीओ श्याम लाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात राम सेवक गौतम द्वारा बताया गया कि साइलेंसर की तीव्रता अधिक होने पर उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही वाहनों में प्रेशर हॉर्न व हूटर प्रतिबंधित है। जो वाहन लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी वाहन प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त डीलरों को निर्देशित किया है कि वाहन बेचने के उपरांत वाहनों के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें, अन्यथा साइलेंसर में परिवर्तन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 192 का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम अपराध पर ₹5,000 या 3 महीने का कारावास तथा द्वितीय अपराध करने पर ₹10,000 जुर्माना या 6 महीने का कारावास तथा साथ ही साथ 3 माह की अवधि के लिए चालक का लाइसेंस अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करें और विधिक कार्रवाई से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, इतना जबरदस्त अब उसमें बड़ी हाईली दिन से आदेश है कि तत्काल वो संभवतः सारी दुकानें भी बंद होती है। कल नगर आयुक्त साहब और कल मीटिंग भी गई हाई लेवल की मीटिंग, तो उसमें एन सी साहब इस बार तो ये भी ध्यान दे लें, इन लोगों को मतलब पता चला बंद होने से पहले उसको सुधार कर लें, जो 3 लेयर गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे थे सड़क पर उसको ध्यान दें, तो इससे बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इसकी भी होने वाली है। और जहाँ पे आपको बताया गया है कि चेंज किया है, यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी डिफरेंसी होनी है, और जहाँ पे आप लोग अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर हम लोग के स्तर से तो दूसरी तरह हम इन्फोर्समेंट वाले हैं। एजुकेट तो फर्स्ट स्टेप आपका है ना, आपके पास कस्टमर सबसे पहले पहुँचता है, उसको एजुकेशन में वहाँ से मिल गई है। एक बार देखिए, सजा और जुर्माने से सब डरते हैं, पाया जाते हैं तो इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, खासकर बुलेट, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर वगैरह जो ओरिजिनल साइलेंसर होते हैं उसको निकलवा देते हैं और उस पर आवाज करते हुए वो चलते हैं, जिसका संज्ञान कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी। उस पीआईएल के अगेंस्ट में इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने ये आदेश किया था और इसके तहत पे हमारे प्रमुख सचिव महोदय और हमारे प्रधान महोदय बहुत तेज सख्त कार्रवाई करने के उन्होंने हम लोगों को आदेश दिए थे, और उस आदेश के तहत हम लोगों को ये कहा गया था कि डीलर्स और वर्कशॉप वाले इन लोगों को बुला के आप स्थानीय पुलिस लोगों के साथ ये कार्रवाई करवाइए, उन लोगों को पहले जागरूक कराइए कि भाई अगर आपने साइलेंस, एक तो ये अपराध है ओरिजिनल साइलेंसर लगा के हटा के दूसरा साइलेंसर लगवाना, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरा, जैसे हमारी वहां पे रॉयल एनफील्ड के डीलर आए थे, उन्होंने ये स्पष्ट भी बताया कि उनके कंपनी का ये मानक है कि अगर वो सस्पेंसर हटा देते हैं तो तुरंत उस गाड़ी की वैलिडिटी वहीं खत्म हो जाएगी, और हम लोगों को ये आदेश आया था इस पे अगर हम कार्रवाई करते हैं, अगर प्रथम अपराध ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति के लिए ₹10,000 जुर्माना और 3 माह का कारावास भी हो सकता है, दूसरे अपराध में 6 माह का कारावास और ₹10,000 दोनों हो सकते हैं, और तीसरे पे तो उनको जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसे ये आदेश मिले हैं हम लोगों को, इसके लिए आज आरटीओ ऑफिस में एसपी ट्रैफिक एसपी गौतम जी और एसपी सिटी सोनम कुमार जी के साथ मैं अनीता सिंह आरटीओ ने ये बैठक ली थी और सभी डीलर को ये वार्न किया था कि आप अपने यहाँ जो भी वाहन खरीदने व्यक्ति आएंगे उनको इस मामले में आप जागरूक करिए, और अपने वर्कशॉप में भी फ्लेक्सेस और पंपलेट के माध्यम से लोगों को ये जागरूकता फैला दीजिए कि ये एक दंडनीय अपराध है अगर ऐसा करते हुए कोई भी शॉपकीपर या वर्कशॉप या कोई डीलर या वाहन जो भी पकड़ा जाता है तो एक ये दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम, क्या इसमें कोई आप लोग अलग से अवेयरनेस के लिए ड्राइव भी करेंगे?
ये अवेयरनेस ड्राइव का एक हिस्सा था डीलर्स को बुला के करना, और इसके साथ ही एसपी सिटी, चूंकि हम सब एक ही पार्ट हैं पीआईएल के, एसपी सिटी ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से सबको स्प्रेड कर रहे हैं ये, और एसपी ट्रैफिक साहब के पास एक स्पीकर है जो सेंट्रलाइज्ड है, और जगह जो स्पीकर पीआईएल बोलता है उसके माध्यम से भी हम लोगों को बताएंगे, और हर डीलर के शोरूम पे हम लोग एक फ्लेक्सेस और पंपलेट बैठेंगे, ये चीज करना अपराध है। आप लोग मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि कृपया अगर टू व्हीलर्स पे बुलेट वगैरह ले रहे हैं तो कंपनी में भी साइलेंसर्स में लगा रहने दीजिए, उसे निकलवा के किसी और कंपनी का या म्यूजिक करते हुए कंपनी का साथ में होटल, इन सब चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होकर फिर इस पे आपको दंड भी लग सकता है।